हरियाणा के फतेहाबाद में बेखौफ बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर एक पेट्रोल पंप पर 44,700 रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 अक्टूबर की दोपहर करीब 3 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार दो बदमाश मुंह ढककर पेट्रोल पंप पर आते हैं और तेल डलवाने के बहाने पंप पर रुकने के बाद पीछे बैठा बदमाश पिस्तौल निकालकर पेट्रोल पंप के कारिंदे के ऊपर तान देता है और बाद में उसे पेट्रोल पंप के ऑफिस की तरफ ले जाता है। यहाँ पर हवाई फायर करके आरोपी बदमाश 44,700 रुपये लूटकर बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और बदमाशों की तलाश के लिए 5 टीमें गठित की है। डीएसपी ने बताया कि रतिया इलाके के अशोका पेट्रोल पंप पर यह वारदात हुई है और दो बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर हवाई फायर करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया है। डीएसपी ने बताया कि मामले में 5 टीमों का गठन करके छापेमारी की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3 तारीख की बात है, समय करीब 3 बजे की बात है, रतनगढ़ के पास एक अशोका पेट्रोल पंप है, वो उस पर जो है दो लड़के मोटरसाइकिल में सवार होकर चेहरा ढके हुए थे आए और पिस्टल पॉइंट पर 44,700 रुपये लूट कर ले गए, जिसके अंदर जो हमने 5 टीमें बनाई है, जो इस पर मुकदमा को ट्रेस करने की हर संभव प्रयास करिए और जल्दी इस मुकदमा को हम ट्रेस। तो कितने जने थे सर ये? ये दो आदमी थे और चेहरे इन्होंने ढके हुए थे। तो क्या अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई सर? फुटेज मिली है और फुटेज के आधार पर और वैसे भी जो है हम अपने उससे जो है ना 5 टीमें हमने रुक कर रखी है और जल्दी हम